आपकी 2 कप चाय। थैंक यू बेटा। कितने पैसे होंगे? 20 रुपए। सोफिया, ये तो मेरी बेटी है, ये यहाँ पे चाय बेच रही है। थैंक यू अंकल। सताक्षी की बेटी कहाँ से आ गई? उससे इतना बड़ा झूठ बोला। सोफिया बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आंटी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा आंटी नहीं, मैं आपकी मम्मा हूँ। आपके पापा कहाँ हैं? पापा और मम्मी तो मुझे छोड़कर चले गए। मतलब आपके पापा ने शादी कर ली? मेरी पहली मम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी करी, फिर जब मेरी दूसरी मम्मा आई ना तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा और मुझे घर से भी निकाल दिया। तो बेटा अब आप कहाँ पे रहते हो? ये जो सूरज चाचा है ना, बस मैं अब उनके साथ ही रहती हूँ और उनके साथ थोड़ा काम में हाथ बटा लेती हूँ। इसी टपरी पे? हाँ। सताक्षी बस, ये क्या चल रहा है माँ बेटी का खेल? और ये तुम्हारी बेटी है, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। सैम, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया था। क्या सच बताया तुमने? तुमने मुझे ये सच बताया कि तुम्हारी 5 साल की बेटी है? तुमने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि तुम्हारी शादी हो रखी है और तुम्हारा डिवोर्स हुआ है। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारी एक बच्ची भी है। सैम, जब हमारा डिवोर्स हुआ था तो सोफिया 1 साल की थी और जब हमने केस लड़ा तो सोफिया की कस्टडी विवांस को मिल गई थी और मुझे कोर्ट के ऑर्डर मजबूरन मानने पड़े, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करती। बस बहुत ड्रामा हुआ और तुम्हारे और मेरे बीच में ना मुझे बच्ची नहीं चाहिए। और वैसे भी ये अपनी लाइफ जी रही है जैसे भी जी रही है। कौन है ये सूरज बूरज? तो इसको इसके हाल पर छोड़ो और चलो मेरे साथ। सैम, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम इसे जिंदगी जीना बोलते हो? सड़क पे चाय बेचना जिंदगी जीना होता है? मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरी अपनी बेटी है, कोई पराई बेटी नहीं है जो इसे मैं सड़क पे छोड़ दूं। मैं इसे अपने साथ रखूंगी, ये मेरे साथ ही रहेगी। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना और हम जल्दी शादी करने वाले थे, अब मेरी बेटी आ गई तो क्या दिक्कत है? ये भी हमारे साथ रहेगी। सताक्षी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ना अपना बच्चा चाहता हूँ, किसी और का नहीं। और ये किसी और की बच्ची है, मेरी और तुम्हारी नहीं। सैम, अब तुम्हारी मर्जी, ये मेरी अपनी बेटी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, वो भी ऐसे सड़क पे, ये मेरे साथ ही रहेगी। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो सोच लो थोड़ा। तो ठीक है, अब से तुम अपनी ही बच्ची के साथ रहो, मैं चलता हूँ। अरे मेम साहब, आप मेम साहब पहचाना मुझे? नहीं भैया। अरे मेरे पापा आपके घर पे काम करते थे, ड्राइवर थे। आप लोगों के बहुत एहसान है हम पर मेम साहब। आप श्याम अंकल के बेटे हो? हाँ। अच्छा ये बताओ, आपको मेरी बच्ची कहाँ मिली? ये बच्ची मेम साहब, ये कुछ साल पहले मुझे उस रेड लाइट पे मिली, रो रही थी और खाना मांग रही थी। मैंने पूछा कि बेटा आप कहाँ रहते हो, इसने मुझे घर का एड्रेस बताया, तब मुझे मालूम हुआ कि आपकी बच्ची है। मेम साहब इस बच्ची का ख्याल रखो, आपको तो पता है कि बच्चे भगवान का रूप होता है, अगर इन्हें सही टाइम पे सही परवरिश नहीं मिली तो बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं इतने सालों से आप ही का इंतजार कर रहा था कि कब आप मिले और कब ये बच्ची मैं आपको सौंपूं। थैंक यू भैया मेरी बच्ची का इतना ध्यान रखने के लिए और इसे अब तक साथ रखने के लिए। अरे मेम साहब ये तो फर्ज है, आपके पापा के इतने एहसान है हम पर, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी मेरे साथ रहेगी और हमेशा खुश रहेगी। जी मेम साहब, ध्यान रखिए अपना। चलिए बेटा अब मैं चलता हूँ मम्मा के साथ रहने, ठीक है? सताक्षी, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। अब मुझे अचानक तुम्हारी बेटी के बारे में पता चला तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। फिर मैंने सोचा कि इसमें तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की कोई गलती नहीं है और तुम्हारी बच्ची भी तो मेरी बच्ची जैसी है ना। ठीक है, अब से ये भी हमारे साथ ही रहेगी। चलो गाड़ी में बैठो।